क्या रश्मिका मंदाना और कार्थी की फिल्म सुल्तान को किया जा रहा है पोस्टपोन? कैसे बनी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव फिल्म सुल्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रास स्टूडियोज पे। सुल्तान एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बक्की राज कन्नन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और ये ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के बैनर तले एस आर प्रकाश बाबू और एस आर प्रभु द्वारा निर्मित है। फिल्म में कार्थी और रश्मिका मंदाना है। नेपोलियन, लाल, योगी, बाबू और रामचंद्र राजू फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभा रहे हैं जिसमें कार्थी मुख्य भूमिका में है। पहले मूवी 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब मेकर्स इसकी रिलीज को स्थगित करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि उस समय तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव चल रहे होंगे। मेकर्स को डर है कि चुनाव 6 अप्रैल को होगा और जो कि सुल्तान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि अधिकांश लोग विधानसभा चुनावों के लेटेस्ट अपडेट की जांच में व्यस्त होंगे। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स जो फिल्म को नियंत्रित कर रही है चुनाव के दिनों में इसे रिलीज करने के पक्ष में नहीं है। खबरों के अनुसार अब निर्माता साथ ही साथ कार्थी सुल्तान के लिए एक नई रिलीज डेट की तारीख की योजना बना रहे हैं। रश्मिका मंदाना की इस तमिल डेब्यू फिल्म को पोस्टपोन करने का निर्णय सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित पैसा इकट्ठा करे ये फिल्म। हालांकि ये निर्णय उसी समय के आसपास रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों के पक्ष में काम कर सकती है जैसे कि गोपीचंद की अगुवाई वाली सीटी मार और नागार्जुन की वाइल्ड डॉग भी 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। अगर सुल्तान की रिलीज की तारीख टाल दी जाती है तो इसे निश्चित रूप से इन दोनों फिल्म के लिए फ़ायदा समझा जाएगा। सुल्तान को शुरू में मई 2020 को रिलीज़ करने को कहा जा रहा था लेकिन कोविड महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ गया था। फिल्म बाद में पोंगल के अवसर पर रिलीज़ होने वाली थी जो 14 जनवरी 2021 को थी लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि फिल्म विजय की मास्टर के साथ क्लैश कर रही थी। 1 फरवरी 2021 को फिल्म के आधिकारिक टीजर रिलीज़ किया गया और निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख को अपने तेलुगु डब संस्करण के साथ 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ करने का सोचा था। तो अब ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो हम तो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और उत्साहित हैं। और आप तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सभी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने।